नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको YouTube चैनल फिनोइच पे। अभी जैसे ही मार्केट ओपन होगा तो बहुत सारे चीज जो है बोल सकते हैं कि कंट्रोल करने वाला है मार्केट को। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो है यहाँ पे बोल सकते हैं कि हो सकता है कि बहुत सारे शेयर जो है गिरावट भी दिखे। अभी जो सिचुएशन एक मार्केट में चल रहा है तो इसमें से अगर देखेंगे जो एक्सपर्ट्स का मानना है, DIS हो सकता है कि मार्केट को थोड़ा सपोर्ट करे, FIS अपना माल बेच ही रहा है, तो बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से हम लोग दिखाने की कोशिश करेंगे। निफ्टी का आप देख सकते हैं क्या हाल है, निफ्टी का बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं एक दिन में अगर देखेंगे 252.70 पॉइंट के आसपास निफ्टी गिरावट दिखाया, निफ्टी 50 का माफ कीजिए 252.70 के आसपास जो है निफ्टी 50 का गिरावट देखने को मिला है और बहुत दिन से गिरावट चल रहा है। तो और वही देखेंगे तो BSE सेंसेक्स उसमें भी जबरदस्त गिरावट देखने को मिला है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं BSE सेंसेक्स जो कि 768.87% के आसपास जो है, या फिर माफ कीजिए 768.87 पॉइंट जो है गिरावट दिखाया है। तो बहुत ज्यादा गिरावट निफ्टी 50 सेंसेक्स दोनों में देखने को मिल रहा है। अभी जो एक्सपर्ट्स है शेयर मार्केट्स के उन लोगों का इसको लेके बहुत सारे अपडेट्स देखने को मिला है। और जैसे कि हम लोगों ने बताया कि कुछ ऐसे अपडेट्स हैं जो मार्केट को कंट्रोल कर सकता है, जो मार्केट में एक बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा अपडेट है। ये हो सकता है कि मार्केट क्रैश हो, मतलब शेयर्स जो है और गिरावट दिखे, और इसी सिचुएशन में अगर देखेंगे तो इस सिचुएशन में DIS हो सकता है कि मार्केट को संभाले। तो चलिए देखते हैं क्या क्या अपडेट है जिसके चलते मार्केट में क्या हो सकता है, क्या अपडेट है, क्या हो सकता है मार्केट में, वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जैसे कि हम लोग को पता है कि अभी जो रशिया एंड यूक्रेन का वॉर चल रहा है, रशिया एंड यूक्रेन के वॉर के साथ साथ यहाँ पे और भी कुछ अपडेट्स हैं जो मार्केट को कंट्रोल करेगा। चलिए देखते हैं क्या है। द रशिया एंड यूक्रेन वॉर वुड बी द बिगेस्ट फैक्टर फॉर मार्केट्स, जो एक्सपर्ट्स का मानना है। रशिया इज गेटिंग एग्रेसिव बाय स्टेपिंग अप मिलिट्री ऑपरेशंस फेसिंग स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फ्रॉम यूक्रेन। तो रशिया जैसे एक बोल सकते हैं कि एक प्रेशर डाल रहा है, एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, कंटिन्यूअसली वो हो रहा है, तो ये मार्केट में एक प्रेशर क्रिएट कर सकता है। और बोल सकते कि FIS जो है बहुत ज्यादा माल बेच रहे हैं, वो भी हम लोग दिखाएंगे। तो रशियन प्रेसिडेंट जो पुतिन है उनसे देख सकते हैं क्या एक वार्निंग दिया गया है कि दैट यूक्रेन स्टेटहुड वॉज इन जियोपेड्री एंड लिंक द वेस्ट सेक्शन ऑन रशिया टू डिक्लेयरिंग वॉर। तो यहां पे रशिया से कंटिन्यूअसली एक प्रेशर बनाया जा रहा है यूक्रेन के ऊपर, जो मार्केट में भी एक प्रेशर बना सकता है। अभी बात आता है दोस्तों कि ऑयल प्राइस का। देखिए ऑयल प्राइस को लेके एक अपडेट आया है, तो यहां पे आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। ऑयल प्राइस को लेकर क्या बताया जा रहा है कि द वॉर हैज पुश्ड ऑयल प्राइसेस टू देयर हाईएस्ट लेवल इन ए डिकेड। द रिपोर्ट्स ऑफ द US कंसिडरिंग एन ऑप्शन टू कट US इम्पोर्ट्स ऑफ रशियन ऑयल एंड ऑल्सो लिफ्टेड सेंटिमेंट। इंटरनेशनल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स हिट नियरली $120 ए बैरल ड्यूरिंग दिस वीक। तो यहाँ पे जो ऑयल का प्राइस है उसमें देखेंगे तो बहुत दिन में देखेंगे तो हाईएस्ट प्राइस यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा बात करेंगे कि हाईएस्ट ऑयल प्राइस जो है देख सकते हैं कि रेज्ड रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन एंड ओरिस फॉर कॉर्पोरेट अर्निंग्स एज सेवरल सेक्टर्स में फेस मार्जिन प्रेशर ओवर द इंक्रीजिंग ऑपरेशंस कॉस्ट। तो यहाँ पे जो ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, ऑयल कंपनीज को उसमें से फायदा होगा, ऑयल का प्राइस बढ़ेगा। तो उसी के साथ अगर देखेंगे तो ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो कॉर्पोरेट कंपनीज है, हाई ऑयल प्राइसेस रेज रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन एंड वरीज फॉर कॉर्पोरेट अर्निंग्स एज सेवरल सेक्टर्स में फेस मार्जिन प्रेशर ओवर द इंक्रीजिंग ऑपरेशंस कॉस्ट। तो ऑपरेशन कॉस्ट इंक्रीज हो, मतलब जो होगा उसमें से एक प्रेशर बनने को मतलब बन सकता है जो सेवरल सेक्टर्स है उसमें, क्योंकि ऑयल का प्राइस बढ़ेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ में ऑल्सो गेट हिट ओवर द शॉर्ट टर्म एंड द ट्रेड डिफ्लिक्ट कुड गेट वाइंडेड एज इंडिया इंपोर्ट्स 80 to 85% ऑफ इट्स ऑयल रिक्वायरमेंट। एक्सपर्ट्स एक्सपेक्ट ऑयल prices to remain elevated as long as the Ukraine war continue, which could keep equity market volatile. तो यहाँ पे market जो है equity market उसको भी volatile कहना मतलब हो सकता है। अभी यहाँ पे दूसरा एक update आपको देखने को मिल रहा है, जो इलेक्शन हुआ है अभी दोस्तों, तो वो इलेक्शन जो है उसके चलते भी यहाँ पे एक अपडेट देखने को मिलेगा जो यहाँ पे नेक्स्ट वीक का मार्केट में आपको देखने को मिल जाएगा। द रिजल्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश पंजाब गोवा मणिपुर एंड उत्तराखंड
असेंबली इलेक्शन टू बी अनाउंस्ड ऑन मार्च 10th कुड ऑल्सो इन्फ्लुएंस द मार्केट। तो यहाँ पे जो तीन चार स्टेट है जिसका इलेक्शन का बात आ रहा है, तो यहाँ पे उसका जो बोल सकते हैं कि जो अनाउंस होगा उसका भी एक इफेक्ट आएगा 10 मार्च को, जो हो सकता है कि मार्केट को इन्फ्लुएंस करे। एक्सपर्ट्स एक्सपेक्ट ए बिट वोलेटिलिटी बट दैट वुड बी टेम्पररी। ये जैसे कि स्टेट इलेक्शन है तो इसके चलते जो मार्केट में बोल सकते कि एक वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा हम लोगों को, वो टेम्पररी है। उसमें से कुछ मतलब खास अगर देखते हैं तो शेयर में जो गिरावट अगर भी आता भी है तो वो टेम्पररी रहेगा, या फिर जो वोलेटिलिटी रहेगा वो टेम्पररी रहेगा, ये एक्सपर्ट्स का मानना है। उसी के साथ अगर बात करेंगे दोस्तों तो बहुत सारे यहाँ पे जो हम लोग जो है अपडेट देखने को मिल रहा है। एंड दूसरा आप चीज देख सकते हैं जो FIS है, FIS foreign institution investors FIA have been on selling spree due to the Ukraine Russia war। तो FIA जो है उसका माल बेच रहा है Russia and Ukraine का जो war चल रहा है उसके चलते। higher commodity prices and expected policy tightening expected policy tightening by the US Federal Reserve। तो US फेडरल से जो है बहुत सारी पॉलिसीज जो है टाइट किया गया है, स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया गया है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स मैनेज टू ऑफसेट FII आउटफ्लो टू ए ग्रेट एक्सटेंट। तो यहाँ पे देखेंगे तो FII जो है उसका माल बेच रहा है जो यूक्रेन एंड रशिया का वॉर चल रहा है, वही देखेंगे तो DIS जो है उसका बोल सकते हैं कि मार्केट में एक सपोर्ट दे रहा है जो बोल जो है FIS से जो माल बेचा जा रहा है फिर भी DIA यहाँ पे एक सपोर्ट कर रहा है। एक्सपर्ट्स एक्सपेक्ट द सेलिंग टू रिमेन इंटेंड फिल द मार्केट में गेट सपोर्ट फ्रॉम DIS दो द अपसाइड इज फीलिंग प्रेशर फ्रॉम FIS। तो यहाँ पे एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो सेलिंग है हो सकता है कि रिमेन इंटेंस रहे एंड फिल द मार्केट, मतलब मार्केट में जो है अभी हो सकता है कि एक सपोर्ट मिल जाए DIS से, भले ही FIS जो है उसका FIS के ओर से जो है शेयर बेचने का एक प्रेशर तो जारी रहेगा शायद से। FIS हैव नेट सोल्ड मोर देन ₹2,00,000 करोड़ worth of shares since October 2021। तो FIS जो ये माल बेच रहा है अभी देखेंगे तो October 2021 से लेके अभी तक 2,00,000 करोड़ का जो है उन लोगों ने माल मतलब शेयर जो है बेच दिया है, which seems to be the highest monthly selling streak। तो अगर देखेंगे तो ये highest एक बोल सकते हैं कि यहाँ पे माल बेचे जा रहे हैं। इन द सेम पीरियड DIS नेट बॉट ₹1.38 लाख करोड़ worth of shares। इसी पीरियड में देखेंगे तो DIS जो है 1.38 लाख करोड़ का जो है शेयर यहाँ पे खरीद लिया है, मतलब FIS ने 2,00,000 करोड़ का माल बेच दिया है और वही देखेंगे तो DIS जो है 1.38 लाख करोड़ का जो है माल यहाँ पे शेयर यहाँ पे खरीदा है। तो बहुत सारे चीज चल रहा है दोस्तों यहाँ पे मार्केट में, और इसीलिए अगर देखेंगे तो हर एक चीज देखने के बाद ऐसे ही शेयर में हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसे ही शेयर में हम लोग को खरीदना चाहिए जो आप लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं, जो आप शेयर लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं, एक अच्छे कंपनी का शेयर हो ऐसा देख के ही खरीदना चाहिए, ऐसा हमारा फिलहाल ओवरव्यू है। तो दोस्तों वीडियो को यहां पे ही कंप्लीट करते हैं। वीडियो बनाने का मकसद ही था कि अभी जो एक अपडेट आया है शेयर मार्केट को लेकर और शेयर मार्केट में क्या हो सकता है, एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया जाए। आशा करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।